Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school. Classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs. Well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ के गंगानगर थाना इलाके में लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक की पुत्र वधू की रहस्यमय हालत में हुई मौत ने गंभीर मोड़ ले लिया है। नेहा वर्मा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे पीट पीट कर मार डाला गया। सूचना पाकर जब वह पहुंचे तो उसके पूरे शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे, मुंह से खून निकल रहा था। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने आज पुलिस कप्तान को दिए पत्र में आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक से थाना प्रभारी ने साठगांठ कर गंभीर चोटों को छिपा दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर का कहना है कि पोस्टमार्टम में मृतक का बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। बिस्तरे की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए पत्र में शास्त्री नगर सी ब्लॉक निवासी सुमन वर्मा ने जानकारी दी है कि उनकी बेटी नेहा वर्मा की शादी 8 साल पूर्व गंगानगर निवासी लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक सुरेश चंद वर्मा के पुत्र अंकुर से हुई थी। मौके पर लिए गए फोटो में नेहा की गंभीर चोटें साफ नजर आ रही, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सरीन ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया। मौके पर नेहा वर्मा के भाई आशीष वर्मा व अन्य परिजनों ने आज मीडिया को यह जानकारी दी। देखिए। मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। हाँ वर्मा जी, आज जो SHP पार्क क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला? घटनाक्रम ये है, मेरी बहन की शादी लक्ष्मी ज्वेलर्स वाले जो गंगानगर वाले हैं उनके लड़के अंकुर वर्मा के साथ हुई थी 8 साल पहले। और क्या है, लड़की को उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था, कभी किसी चीज़ की डिमांड, कभी किसी डिमांड, उसके साथ हाथापाई, मारपीट, कई तरीके की चीज़। उसको उन्होंने इस तरीके से मारा है कि रात को मारा है और सुबह उन्होंने कहानी रचते हुए उसको सुबह लेकर गए हैं जसवंत राय में 8 बजे हमें फ़ोन किया उन्होंने और 8 बजे फ़ोन करके ये बताया कि आपकी लड़की बिल्कुल नीली पड़ रही है, अकड़ गई है और आप आगे देख लो। हमने जाके देखा तो मौके पे उसके सारे चेहरे पे नील, छाती पे नील, जांघ पे नील और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, नाक से खून बह रहा था। SHO कोई हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो आपका मानना है कि उसकी हत्या की गई है? उसकी हत्या करी है, मिलकर हत्या हुई है उसकी। PM रिपोर्ट में भी जो है PM रिपोर्ट में बनाई गई है जिसमें आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना प्रभारी और जो जिन्होंने PM रिपोर्ट डॉक्टर हैं सौरभ सरीन, उनका इसमें सब मिली भगत है। रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, रिपोर्ट झूठी है, रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है। SSP हमें ये कह रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। FIR को मुकदमा 302 में दर्ज है पर कोई गिरफ्तारी नहीं है। जांच कराना चाहते हैं हम पूरी, हम इसलिए SSP ऑफिस आए। अब वो कह रहे हैं कि बिसरा रिपोर्ट मैं जल्द से जल्द मंगाऊंगा, थाने पर बोलूंगा। और बिसरा की रिपोर्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते से पहले नहीं आएगी तो क्या वो घूमते रहेंगे, अपराधी घूमते रहेंगे? हत्यारा खुला घूम रहा है, थाना गंगानगर है। इस बीच पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर का कहना है कि पोस्टमार्टम में मृतक का बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है, बिस्तरे की जाँच रिपोर्ट आने पर ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या कहा पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने। थाना गंगानगर क्षेत्र में एक महिला के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी बेटी को मारपीट करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना गंगानगर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पोस्टमार्टम कराया गया है, पोस्टमार्टम में बिसरा प्रिजर्व किया गया है, बिसरा को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। सभी पक्षों से बातचीत करके इसके पूरे बयान दर्ज करके जाँच की जा रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।